आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलो। टैबलो डेस्कटॉप में हम फंक्शंस पे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने आपको नंबर फंक्शंस पे पढ़ाया था, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने डेटा सोर्स है, इसी डेटा सोर्स पे हम डिस्कस करते हैं, या हो सके तो हम कोई और डेटा सोर्स भी ले सकते हैं, राइट? तो कोई और डेटा सोर्स एक बार देखता हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा। डाउनलोड में यहाँ पे आते हैं, कस्टमर मीटिंग रिपोर्ट एग्जांपल एक्सक्यूट केस स्टडी सबमिट। डैशबोर्ड करके था इसमें, हाँ कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड, तो इसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, रिमूव, और यहाँ पे वापस डेटा सोर्स में आते हैं, डाउनलोड एंड ओपन। सामने डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कस्टमर्स का डेटा है, तो दोनों कंबाइन हो गए। एक मिनट रुकिए, मैं इसको क्लोज करता हूं। अब वापस डेटा सोर्स में आता हूं और वापस लगाता हूं। मर्ज हो गए थे दोनों, इसलिए उसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है कस्टमर्स है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट टाइप है, सब कैटेगरी है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस वगैरह है। अब इसमें जैसे रिपोर्ट लगाता हूँ, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी को लिया, प्रोडक्ट कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन जो आ रहा है प्रोडक्ट टाइप के डिस्क्रिप्शन, उसको हमने यहाँ रिपोर्ट में मान लीजिए रख दिया, ठीक है। और हमने क्वांटिटी उसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब इसकी प्रॉब्लम को देखिए। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे सब कैटेगरी 1, 2, 3, 4 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में यहाँ पे सब कैटेगरी के जगह पे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 आया, समझे? हाँ। मेरे चार्ट पे सब कैटेगरी होने के बाद, क्योंकि डैशबोर्ड पे जाता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिससे दिखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब जगह काफी ले रहा है। सो आई वांट टू ओनली कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे ही कर सकता हूँ एक यहाँ पे क्रिएटेड कैलकुलेटेड न्यू फील्ड, या डेटा में कर सकता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एन सीटी के नाम से। और यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं राइट, राइट, और राइट फॉर्मूले में हम क्या लेंगे, हम लेंगे अपना डिस्क्रिप्शंस का जो हमारा टैब है उसको,
और कॉमा बोलते हैं कि मुझे नंबर ऑफ करेक्टर में एक चाहिए, और मैंने इसको, हाँ यहाँ इक्वल ही लगाना चाहिए था, इक्वल लगा दिया। अब ब्रैकेट डबल क्लोज हो गया, अब यहाँ फॉर्मूला वैलिड आ गया, मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ एंड ओके। अब मैं यहाँ से अपना डिस्क्रिप्शन को हटाता हूँ और यहीं पे हमारा नेट को रखता हूँ। तो आ गया, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं अपने इसके लिए। तो टैक्स कैटेगरी में इसका यूज होता है। चलिए हम वापस उस फॉर्मेट पे चलते हैं, मतलब उस सीट पे चलते हैं जहां पे हम टैबलू का फॉर्मूला लिस्ट हमने देखा था। tableau.com पे, help.tableau.com, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन चलता है, अल्फाबेटिक है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पे आते हैं। तो फंक्शन देखते क्या क्या है। सबसे पहले ACI किसी भी करेक्टर को नंबर में रिटर्न करता है और नंबर को करेक्टर में रिटर्न करता है। इसका यूज क्या हो गया, जैसे आपने देखा कि डेटा के अंदर में, जैसे कि डेटा आपको यहाँ डेटा में कुछ ऐसे माना कि करेक्टर हो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सिंबल हो जाता है क्वेश्चन मार्क टाइप का या कुछ ऐसा स्पेस टाइप का कोई हो जाता है, तो उस केस में दिक्कत क्या होती है पता है आपको, तो उस केस में फाइंडिंग मुश्किल हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेट सब कैटेगरी है ना, क्या करता हूँ मैं इस अपने इसमें यहाँ पे इस फाइल को ओपन करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हमने डेटा पे गया और जैसे कि सब कैटेगरी में स्पेस है ना, मैं कहीं पे स्पेस हटा के ऑल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ। हमने क्या किया, ऑल्ट एंटर, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं टैबलू पे आता हूँ, अब ऐसा स्ट्रैक पे गया, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सीट पे आता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन को रख देता हूँ, एडिट कर रहा है। दिख गया सर, हाँ दिख गया ना, सेपरेटली फाइल हाँ वो दोनों का अलग दिखाएगा वो। क्योंकि दोनों एक ही जैसा है लेकिन इस एक में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं ऑल्ट एंटर है। हाँ तो यहाँ हम डेटा में हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमारा क्लियर हो जाए, तो इसी पे मैं यहाँ डेटा में ही कर सकता हूँ, चाहे वहां पे दोनों एक ही जगह बात होगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और कैलकुलेटेड न्यू कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे मैं यहाँ पे DES के नाम से बनाता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक रिप्लेस का फॉर्मूला है, रिप्लेस। अब यहाँ इसमें देखेंगे रिप्लेस होगा या सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। रिप्लेस ही होगा, हाँ रिप्लेस। रिप्लेस में आप वर्ड दे दें किसको और किससे रिप्लेस करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हम फॉर्मूला में ऑल्ट एंटर कैसे प्रेस करें, समझ गए कि यहां पे फॉर्मूला में हमने मान लीजिए कि चलो ठीक है, मैंने डी डिस्क्रिप्शंस को सिलेक्ट कर लिया और मुझे इसमें से जो इसका अंडरस्कोर है इसको स्पेस बनाना है,
हाउ कैन, समझ रहे हैं? हाँ तो उसका, तो हमने एक्सेल सीट पे या किसी और सीट पे इस पे डबल क्लिक किया, सॉरी इस पे डबल क्लिक करके ऑल्ट एंटर प्रेस किया, और हमने इस पे वापस सी कोड का फॉर्मर लगाया और पता कर लिया कि इसका कोड कितना होता है, 10 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्सेल, इसमें कौन सा फॉर्मूला होता है, कैर का, सी एच आर होता है, कुछ और होता है, हाँ सी एच आर है, कैर। हाँ मैं लिखूंगा सी एच ए आर कैर 10 को स्पेस में कन्वर्ट कर, अप्लाई एंड ओके। अब मैं अपने सीट पे आऊंगा और डिस्क्रिप्शंस को हटा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लेवल पे डीएसएस जो नया क्रिएट किया है उसको रखूंगा। अब देखिए, तो इसी तरह से कैलकुलेशंस, बाकी कैलकुलेशंस होती है, तो ये आपका इसका ये वैल्यू देता है, कभी अगर आपको कोड निकालना हो तो कोड के लिए, कभी आपको कैर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। कंटेन, जैसे कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है अमेरिका का, ठीक है ना, मान लो दिल्ली का बनाना है, तो प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली का पूरा एक नहीं है आपके डेटा में, आपके पास सिटी का नाम स्पेशली नहीं है, उसका एड्रेस है, हाँ और एड्रेस भी ऐसा है कि उसमें से सिटी अलग करना नहीं नहीं कर सकते, तो हम सिटी को फाइंड कर लेंगे कि दिल्ली इसमें है कि नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली, दिल्ली 126, न्यू दिल्ली वन, आपका दिल्ली 6 हो गया, न्यू दिल्ली 24 हो गया, ऐसे उसके सिटीज होंगे, तो एक कंटेन फॉर्मूला का यूज करके उसमें आप फाइंड कर सकते हो कि इसके अंदर में एक कोई जो भी आपके जो फैक्टर, जैसे एक कैलकुलेशन में इस ACLU है या नहीं है, है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, समझे। ऐसी बाकी फॉर्मूला है, तो आप जो है इस फंक्शन को ट्राई करके देखिए, समझे। जिस फंक्शन में प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा, और जिसका एग्जाम्पल आप ढूंढ पा रहे होंगे तो मुझे बताइएगा, इसका एग्जाम्पल ढूंढ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नॉमिनल फॉर्मूला एक्सेल से मिलता जुलता है, तो इसको फटाफट कीजिए। हाँ